तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली ओडीआई सीरीज के पहले ओडीआई मुकाबले के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में जो कि इस मुकाबले में खेलते हुए दिखेगी, और इसके साथ ही बात करेंगे इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट के बारे में। तो प्लीज वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम पहला ओडीआई मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाली ओडीआई सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला 8 अगस्त 2019 को खेला जाएगा, जो कि गयाना के स्टेडियम में होगा। दोस्तों ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीरीज का पहला मुकाबला होगा, इसलिए दोनों टीमें चाहेंगी कि ये मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ले। दोस्तों इस सीरीज में हमें शानदार बल्लेबाज क्रिस गेल और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज देखने को मिलेंगे। दोस्तों वहीं बात की इस मुकाबले की टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में ये मुकाबला देखने को मिलेगा 7 बजे से। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में जो कि इस मुकाबले में खेलते हुए दिखेगी। दोस्तों ओपनिंग पर में हमें दिखने वाले शानदार फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, वहीं दूसरे ओपनर होने वाले टीम इंडिया में वापसी करने वाले शानदार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शिखर धवन, तीसरे नंबर पर आएंगे भारतीय टीम के कप्तान और शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली, चौथे नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया में वापसी करने वाले शानदार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया के शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, छठे नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया के शानदार बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, सातवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार बैट्समैन ऑलराउंडर केदार जाधव, आठवें नंबर पर उतरेंगे शानदार स्पिनर बॉलर युवेंद्र चहल, नौवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, दसवें नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया में शानदार बॉलिंग करते हुए नवदीप सैनी, जबकि ग्यारहवें नंबर पर आएंगे शानदार फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों मेरे मुताबिक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होने वाली जो कि पहले ओडीआई मुकाबले खेलते हुए दिखेगी। दोस्तों वहीं बात की इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट के बारे में, तो इंडिया में ये मुकाबला देखने को मिलेगा सोनी 10/3 की हिंदी चैनल पर, और वहीं बात की मोबाइल ऐप की तो आपको सारे मुकाबले देखने को मिलेंगे सोनी लिव और जियो टीवी के ऐप पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।